प्यारे दोस्तों, मैं आपको कुछ केरल के बारे में फल फूलों के नाम बताता हूँ। ये चीजें आप बहुत सारे बार कभी वहां जाओगे तो ये चीजें की आवश्यकता अवश्य पड़ सकती है। जैसे नारियल, नारियल को नारियल नहीं कहते, उसे तेंगे के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम केला, केला को केला नहीं कहते, पारंपरिक कहते हैं। तीसरा नारंगी को अरंज कहते हैं, जैसे कि टमाटर तक्काली, कांदे को उल्ली बोला जाता है, मिर्ची को मोरागा बोला जाता है, ठीक है। धनिया को पंचामली कहते हैं, लहसुन को वेलास्तुली कहते हैं, शक्कर को पंसारा कहते हैं, और दूध को दूध नहीं कहते हैं। अपने सबसे मेन टॉप तो यह है कि दूध आम व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन केरल में दूध को दूध नहीं कहते हैं। केरल में दूध को पाल के नाम से जाना जाता है, पाल जिसे कहते हैं दूध। आप किधर भी जाओगे, भाई साहब पाल दे दो, वो आपको दूध ही देंगे, छाछ नहीं देंगे। आने जाने, जैसे कि आप आने जाने की बातें आपको बता रहा हूँ, जैसे केरल में जाना है तो आप आने जाने को क्या कहेंगे? आने वाले व्यक्ति को कहा जाता है इंगवा, और जाने वाले को कहते हैं पो। पो का अर्थ होता है आने जाने व्यक्ति को कहते हैं, आने वाले को कहते हैं इंगवा, जाने वाले को कहते हैं पो, यानी कि तुम यहाँ से जा सकते हो। किसी भी वस्तु या सामान नहीं लेना हो तो बेंडा पो ऐसे कहते हैं। अपने इधर तो कहते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं तो बोलते हैं भैया तुम इधर आओ और उधर, इस प्रकार से नहीं बोला जाता है। अगर उनको कोई सामान लेना है तो ताली का स्वागत के अनुसार ताली बजाएंगे, बार बार ताली बजाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये भाई बुला रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केरल में आप जाते हो तो आप चाहे किसी भी काम के लिए जाओ या कुछ भी काम करो, तो वहां पे उन लोगों का सबसे मेन लक्ष्य यही है कि वो इशारा से बातें करते हैं, जैसे कि होंठ का हिलना उनको अच्छा लगता है, शोर शराबा उनको पसंद नहीं आता है। जैसे अपने इधर तो चिल्लाते हैं ए भैया इधर आ, उधर ऐसा नहीं कहते, सेटाइंगवा, जिसका अर्थ होता है प्यार से बोलते आप इधर आओ। फिर अपने इधर को कोई भी सामान बेचने वाला आता है तो लोग उसके पीछे पीछे भगते हैं, उधर कोई ऐसा नहीं है, उधर ताली बजाते हैं, औरत घर के अंदर ही ताली बजाने लगती है और अपन को पता चल जाता है कि इस घर को किसी सामान की आवश्यकता है, इसलिए वो हमको बुला रहे हैं, उसके घर पे जाओ वो आपका सामान खरीदेगा। जैसे कि व्यक्ति आप वहां जाके उनसे पूछिए चेचिन ये सामान आपको चाहिए, जैसे कि एक कंबल का शॉट देता हूँ चेची इन कम्बल वेणमा, तो वो बोलती हैं अगर जरूरत है तो बोलेगा इन वेला, जिसका अर्थ होता है ये भैया कितने का है। फिर हम बोलेंगे नोक नोक चेरिए पैसा, जिसका अर्थ होता है अपने राजस्थान में कहते हैं कि ये थोड़ा सा पैसा का है, राजस्थान क्वालिटी है, बहुत शानदार आइटम है, अगर आपको पसंद आए तो लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछेगी सेरी मंसलाई, इसका अर्थ होता है ठीक है कोई बात नहीं, सेरी मंसलाई, इसका अर्थ होता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके पूछे अपने इधर तो केवल वस्तु पर ध्यान देते हैं, उधर उनको वस्तु से कोई मतलब नहीं रहता है। फिर वो पूछेगी इन वल्लम मैडम आप पानी पियोगे, तो आपको सबसे पहले पानी की पूछेंगे, वल्लम मैडम यानी कि सेटा वल्लम मैणा। फिर हम पूछेंगे मैणा, वेणा का अर्थ होता है हमें पानी पीना है, इन वल्लम मैणा, इन वल्लम का अर्थ होता है जैसे कि आप कौन सा पानी पियोगे। पानी भी तीन प्रकार से बोला जाता है केरल के अंदर, पहला पच्चा वल्लम, कंजी वल्लम, चूड़ वल्लम। आपने अभी तक पानी के तीन नाम नहीं सुने होंगे मेरे भाइयों, लेकिन केरल के अंदर तीन नाम से ही पानी को पुकारा जाता है, पहला पच्चा वलम, कंजी वलम, चूड़ वलम, यानी कि हर घर में तीन भाग का पानी मिलेगा। एक तो ठंडा पानी रहता है जिसे पच्चा वलम कहते हैं, जो पच पच के पिया जाता है। चूड़ वलम अति गर्म, जैसे गुनगुना पानी रहता है उसे चूड़ वलम कहते हैं। और कंजी वलम ये एक अलग सा नाम है, जिसे कहते हैं चावल उबाल कर पानी रखा जाता है, इसे कहते हैं कंजी वल्लम। ये वल्लम के तीन नाम है। उसी प्रकार से फिर वो पूछेंगे
चोर कैचो, चोर कैचो, इसका अर्थ होता है क्या आपने भोजन किया। चोर क्रिचू, क्या आपने भोजन किया। मेंढा मेंढा, औल्य, औल्य का अर्थ होता है नहीं मेरा भोजन नहीं हुआ है। फिर क्या, मैणा इप्पा मैणा, मतलब आप खाओगे अभी। इप्पा मैणा, इसका अर्थ होता है क्या आप अभी खाओगे। तो अपने को जरूरत हो तो बोलो कोर्चू मैणा। कोर्चू का अर्थ होना थोड़ा सा रख दो। कोर्चू मैणा जिसका अर्थ होता है थोड़ा सा रख दो। फिर वो अपन को भोजन देते हैं, फिर अपन भोजन कर लो, फिर उसके बाद अपने बिजनेस के बारे में उनसे बात करो। बिजनेस एक ऐसा है वहाँ पे, जैसे कि उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे चाहे 100 रुपए का वस्तु है और वो 500 दे देते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे तो अपने इधर पैसे पे ध्यान देते हैं, वो पैसे पे ध्यान नहीं देते। वो तो यूं ध्यान देते हैं कि बेचारे कहीं से आकर अपना गुजारा करके अपने पेट, अपने गांव वाले को, अपने परिवार वाले का पालन पोषण कर रहा है, तो उनको बड़ी खुशी होती है, चाहे वो धंधा करवाए या ना करवाए। लेकिन आपको उस घर से खाली नहीं आने देंगे। प्यारे दोस्तों, एक सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि आज मुझे इस वीडियो को दोबारा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो मैंने फर्स्ट भाग बनाया था, फर्स्ट भाग जो बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारे मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे यार दोस्तों, मेरे मित्र, मेरे सखा, इनका बहुत सारा कमांड आया मेरे पास और उन्होंने बार बार एक ही बात बोली है कि आप मुझे दूसरी बार दूसरा वीडियो बताओ। तो इसलिए मैं दूसरा वीडियो आज माँ हिंगलाजगढ़, जो अपने मंदसौर जिला के बानपुरा तहसील में एक हिंगलाजगढ़ माता जी का मंदिर आता है, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्तों मिलकर हम आपको बता रहे हैं। और ये दूसरी स्टेप जो बना रहा हूँ, इस पर भी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई शब्द की या किसी भी बातचीत के विषय में कोई दिक्कत आए तो मेरे नंबर रहेंगे, आप कॉल करके एक बार नहीं हजार बार पूछ सकते हो। मैं आपको, मैं स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पैसा कमाना कोई जरूरी नहीं है। मुझे तो ऐसी, मेरे कहने से अगर किसी को अपनी मंजिल मिल जाए या भूला भटका अपना रास्ता मिल, उसको अपना रास्ता मिल जाए, तो मुझे तो भगवान को देना ही पड़ेगा। क्योंकि लोगों के पैसे से कोई आदमी करोड़पति नहीं बनता है, मुझे तो मेरी मेहनत से भगवान देगा और मेरी मेहनत करके जो दाल रोटी देगा मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यह है मेरे भाइयों कि अगर आपको, आप घर में बेरोजगार बैठे हो, इसलिए मैं कुछ ऐसा शब्द या ऐसे ऐसे देश की भाषा सिखाता हूँ जो आप अपना जहाँ नजदीक पड़ता है वहां जाकर अपना साइड बिजनेस या मेरे भाषा के अनुसार कौन सी भी भाषा में आप बहुत आसानी से कुछ भी मजदूरी करके अपने घर परिवार वालों का पालन पोषण बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो। आदमी कमाने का इच्छा तो सब रखता है लेकिन गांव के अंदर रहता है, गांव में कुछ नहीं है मेरे भाई। अगर आप गांव से कुछ शहर में जाइए, शहर में जाओगे तो जिसमें से आपको 4 दोस्त अच्छे मिलेंगे, 1 बुरा मिलेगा, और गांव के अंदर रहोगे तो 10 दोस्त मिलेंगे जिसमें से 9 दोस्त तो ऐसे मिलेंगे जो उसको बाहर नहीं जाने देंगे, केवल एक रहेगा वो बोलेगा कुछ कमा रहे बाहर जा, और 9 ऐसा बोलेगा कि अपने परदादा ही यहीं मर गए करते करते और अपन को यहीं मरना है। और अगर आप मार्केट के पास रहोगे, मार्केट में रहोगे, बाजार का अर्थ होता है, वो बोलते हैं कि कलम वो चीज होती है जो बड़े से बड़े हथियार को अपने चरणों में गिरा लेती है, और किसान करोड़पति होकर भी एक छोटी सी 5 रुपए की कलम के आगे झुक जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए बाजार का अर्थ होता है बाजार में कलम होती है और गाँव में खेती होती है। तो अपन को खेती पर ध्यान नहीं देना, अपन को कुछ भी बिजनेस करना है। बिजनेस का अर्थ होता है, मैं यूं नहीं कहता हूं कि आप कंबल का ही बिजनेस करो, अपना स्वयं का बिजनेस, चाहे 2 रुपए की दुकान हो लेकिन खुद की होनी चाहिए। दुकान बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसका कोई मोल नहीं, जैसे कि अद्भुत गगरी होती है, बूंद बूंद से वो भर जाती है। एक गगरी में अगर एक एक बूंद पानी इकट्ठा करोगे तो गगरी भी भर जाती है। उसी प्रकार से जब आप
खुद का बिजनेस या कुछ कार्य करके छोटे छोटे काम करके आप एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे मेरे भाई। इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है कि आप गांव को छोड़ो, शहर जाओ। शहर जाओगे तो विदेश जाओगे, और विदेश जाओगे तो अलग अलग राज्य में जाओगे, और मेरे जैसे हजारों दोस्त मिलेंगे और आपको अपनी मंजिल का रास्ता दिखा देगा। जैसे कि मैं भी एक गांव वाला हूँ, मैं भी कोई शहर का नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव से कुछ खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए मैं बाजार शामगढ़ के अंदर आया। मंदसौर जिला के श्री शामगढ़ तहसील में श्री जित्तू जी भाई साहब ये मिले मेरे को, और इन्होंने पूछा, भैया तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं एक गरीब परिवार से हूँ, गांव बुराड़िया खुर्द का रहने वाला भाई हूँ। इसलिए उन्होंने पूछा, भैया क्या काम करता है? मैंने कहा साहब कुछ नहीं करता हूँ। इन्होंने बोला के भैया कुछ तो बता। मैंने कहा कि सर मैं कंबल का करता हूँ और एक दूसरे दोस्तों के साथ मैं अपना परिवार का गुजारा करता हूँ कंबल में जाकर। इन्होंने कहा कि भैया तेरी बात तो बहुत अच्छी है, तू हीरा है, जो कोयलों की खान से निकला हुआ हीरा है, लेकिन तू गांव में एक काजल के भांति काला होकर गिरा हुआ है। इसलिए इन्होंने आज मुझे जो भी बनाया है, ये वीडियो बनाने का कार्य है, और ये सब जित्तू भाई की मेहरबानी है जो आज मैं आपके सामने हिंगलाजगढ़ में आया हूँ। नहीं तो मेरे गांव से शामगढ़ आने के लिए भी लोग तरसते थे, लेकिन आज जित्तू भाई की वजह से मैं आज हिंगलाजगढ़ पहुंच गया हूँ, और माँ से दुआ करूंगा कि मुझे हिंगलाजगढ़ से जाने कहाँ पहुंचा देगी। धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, अपना टॉपिक है केरल के बारे में। केरल के बारे में फिर मैं अपना मेन टॉपिक पे आता हूँ। केरल में जैसे कि आपको बच्चे स्कूल में जाते हैं, गिनती बोलते हैं, जैसे कि वन, वन को एक कहते हैं केरल में। वन रंड मून नाल अंजी आर एल एट ओम्बत पत, ये दस्ते गिनती है। जैसे कि यह सबसे ज्यादा हर शब्द में एक से दस तक गिनती का शब्द का प्रयोग किया जाता है। वन रंड मून नाल अंजी आर एल एट ओम्बत पत, यह दस तक गिनती हर शब्द में आता है। एक छोटी सी बात, जो जीरो रहता है, जो हर शब्द में लगता है, एक जीरो से एक लाख बन जाता है, एक जीरो से एक करोड़ बन जाता है, एक जीरो से सौ बन जाता है, और एक जीरो से दस बन जाता है, वो सबसे मेन टाइप है जीरो, और उसे केरल तमिल कर्नाटक में पूज्य कहा जाता है। जीरो एक ऐसा शब्द है जिसे पूज्य कहते हैं। पूज्य लगाया आपका टॉपिक वर्ड बन जाता है। जैसे कि 15 को पतंजी, इर्वद को 20 कहते हैं, मुप्पत यानी 30, और फिर बात आई 35 की, तो मुप्पत अंजी, अंजी यानी कि अंजी यानी 5, मुप्पत यानी 30, मुप्पत अंजी। नापत 40, अंबद 60, अरवद 60, 70 एलवद, एलवत अंजी 75, ओंबद 80, तन्नूर 90, और नूर यानी 100। 100 को नूर कहा जाता है, और महाराष्ट्र में 100 को कहते हैं संबर, 50 को कहते हैं पन्नास, और जैसे कि केरल तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्य की भाषा मिलती जुलती है, कोई अंतर नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं आता है। जैसे कि 100 को नूर कहते हैं, 200 को इरनूर कहते हैं, और छोटा सा तमिलनाडु में जाओगे तो इरनूर की जगह एरनूर हो जाएगा, बाकी पूरा टॉपिक वो का वही है। 300 को मन्नूर कहा जाता है, 400 को नानूर कहा जाता है, 500 को अन्यूर कहा जाता है, और 600 का आरनूर, 700 को एलनूर, एटनूर यानी 800, तोला आयरम यानी 900, आयरम यानी 1000। फिर छोटी सी बात है, एक शब्द ऐसा है जिससे आदमी कुछ भी बन सकता है, जैसे कि टी एक ऐसा शब्द है आई टी नूर यानी 1100 गए, टी लगाया और वापस वही टॉपिक चाहिए, आई टी इरनूर 1200, आई टी मन्नूर 1300, आई टी नानूर 1400, आई टी अन्यूर 1500, आई टी आरनूर, आई टी आरनूर, आई टी एलनूर, आई टी एटनूर, और आई टी तोलायरम और रंड आयरम। रंड आयरम को बोलते हैं 2000, मुंह आयरम को बोलते हैं 3000, नाल आयरम को बोलते हैं 4000, आई आयरम का अर्थ होता है 5000,
और इससे आगे तो आदमी फिर कुछ भी बन सकता है। इतनी सी बात तो अगर आदमी सीख जाता है तो और क्या चाहिए। अगर केरल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, फिर आप घर से बाहर क्यों नहीं जाते मेरे दोस्तों? आप घर से बाहर तो जाइए और जाकर देखिए ऐसा कौन सा काम है जो अपना बालक अपने माँ के गर्भ में सीख कर आता है। हर चीज को यहीं आकर सीखता है। लेकिन आम आदमी को गुरु की जरूरत होती है। जैसे कि मुझे एक गुरु की जरूरत थी जो मुझे शांगड़ में जीतू भाई मिले हैं और इन्होंने मुझे सिखाया कि तू सब कुछ कर सकता है, तो मैं धीरे धीरे बोलना सिखाऊं। और जीतू भाई ने आज मुझे माताजी हिंगलाजगढ़ तक पहुंचाया है। मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज इनकी बदौलत से मैं यहाँ शामगढ़ के अंदर पहुंचा हूं और इनका एहसान मेरे पर जिंदगी भर तक रहेगा। और आज इनकी इन्हीं जीतू भाई की मेहरबानी है मेरे ऊपर। और मेरे छोटे भाई मुकेश जो वीडियो बना रहे हैं और ये बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, चाहे मेरे दोस्तों मेरे को बोलना भी नहीं आता है, लेकिन ये भाई मुझे बार बार बोलते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए मेरा मान सम्मान देखकर मुझे उत्सुकता बना रहे हैं और बोलते हैं कि बनाओ। और जिनको रास्ता नहीं मिल रहा उनको रास्ता दिखाने का कार्य कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक करवाना, सब्सक्राइब भी करना, और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो अपना छोटा भाई मान के हंसी जरूर उड़ाना। धन्यवाद दोस्तों। ये राम जी पगारिया गांव के बहुत प्रेमी और सज्जन व्यक्ति है, सीधे साधे प्राणी। मेरी दुकान पे आए थे, जीतू डीजे शाम का प्रचार की दुकान है। मैंने इनको प्रचार की मेमोरी कार्ड के जो पैसे मांगे थे, तो इन्होंने कहा यार ऐसा क्या करते हो यार, गरीब आदमी पे क्या ऐसे लूटते हो यार, अरे देख लो यार। इनकी भावना ऐसी लगी सीधी साधी, ना कितने पैसे दे रहे हो? इन्होंने कहा इतने। मैंने कहा इतने पैसे दे दो। पैसे दिए, मैंने कहा चावल मंगाई, तो इन्होंने जी ढंग से मेरे से बातचीत करी हाव भाव से। तो इन्होंने मैंने क्या करते हो पैसा आपका, मैं केरल जाता हूँ वहाँ की भाषा जानता हूँ वहाँ बोलता हूँ ये करता हूँ। मैंने कहा आप कितने देश की भाषा जानते हो? बहुत सारे देश की बातें जानता हूँ भाई साहब, जगह में घूमता रहता हूँ कंबल ने बेचने के लिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा लखपति करोड़पति ये भाषा नहीं जानते हैं। मैंने कहा एक पगेरा क्षेत्र का व्यक्ति राम जी जो अनुभवी हो गया, मैंने कहा कि भैया देख एक काम कर, तू हमारे जीतू डीजे शामगढ़ के नाम से हमारा जो चैनल है यूट्यूब पर, हम तेरे को ये प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बना के तेरा ये चैनल पर डालते हैं, तेरा प्रोग्राम है ना चलेगा आगे और हम तेरे को इनाम भी देते रहेंगे, भले तेरा चैनल नहीं भी चले तब भी इनाम देंगे। इनाम की ने मना कर दिया कि मैं इनाम नहीं लूंगा। हमारे पिताजी कहते थे कि जो भी व्यक्ति कोई भी अच्छा प्रोग्राम दिखाता है तो उसको इनाम देकर उसको प्रोत्साहित करो, उसका मनोबल बढ़ाओ ताकि वो जोश रहे। जैसे कोई व्यक्ति लेडीज महिला जेंट्स कोई नाचते ना टका 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 ढोल पे, तो लुगाई क्या करती 5-10 रुपए उस पर वार देती, फिर दूसरे भी वार देती, तो इस प्रकार से मनोबल बढ़ रहा था। तो मैंने कहा कौन सी भाषा जानते हो? इन्होंने कहा केरल की ये ने वो ने फलाना। तो मैंने कुछ 6 महीने पहले 2020 में इनकी केरल की भाषा कैसे सीखे वो यूट्यूब पर डाला था मैंने इनका वीडियो बनाकर, तो लोगों के अच्छे कमेंट आए, उन्होंने मांग करी। तो मैंने कहा भाई साहब अपन एक काम करते हैं, हिंगलाजगढ़ माता जी के किले पे चलते हैं, मैं आपको दर्शन भी करा दूंगा और दर्शन कराने के बाद आपको मैं आपका कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपका जो दूसरी मांग चल रही है तो उसको पूरी करते हैं, और ये यदि ये भी अच्छा बनेगा तो हम और बनाएंगे, ये भी अच्छा बनेगा और बनाएंगे, बनाते रहेंगे, धीरे 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 बूढ़े हो जाएंगे फिर ऊपर चले जाएंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दोस्तों जो भी कर्म करो जीते जी करो, आज करो काल करे सो आज करो ना आज करो सो अब। मैंने कहा भाई साहब आप खलबल छोड़ो, आज इनकी 21 तारीख के दिन बुकिंग है केरल जाने की, तो मैंने कहा आप शामगढ़ आ जाओ इनका प्रोग्राम बनाते हैं। मैं हिंगलाजगढ़ माता जी के यहाँ पे आया
तो इसके भी दर्शन दिखाऊंगा आपको, ये हिंगलाजगढ़ माता जी के आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, इसी वीडियो के अंदर आपको हिंगलाजगढ़ माता जी के दर्शन करूंगा ताकि आपको इसके दर्शन हो जाएंगे। और राम जी जो भाई साहब है वो कभी केरल आए तो इनको देख लेना और कम से कम इनसे राम राम कर लेना कि भाई साहब आप हो तो 45 किलो का तो वजन है मगर अकल 90 किलो की है। अब मैं दूसरी कौन सी भाषा है अब मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, वो अब आपको दूसरी भाषा बताएं। अपने इधर तो राजस्थान के अंदर 6 महीने के बाद जैसे ही बोलते हैं कि देव सो गए, देव सोने के बाद में शादी ब्याह नहीं होता है। और केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कभी देव सोते ही नहीं, जैसे कि वहां पे सबसे मेन पॉइंट तो ये कि देव मानते हैं तो केवल कार्तिक जी को ही मानते हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन से भी भगवान को नहीं मानते, क्योंकि वहां पे तो सब तमिलनाडु जैसे राक्षस इलाका आ गया, राक्षसों के बीच रह के स्वर्ग जैसे देश के प्रति भावना रखने वाले महान व्यक्ति वो कैसे बने वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं पहली बार केरल गया तो वहां पर सबसे पहले मेरे को पूछा इन पैर, तो मैं पांव के नीचे देखने लगा कि पांव तो अच्छे हैं मेरे, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इन पैर का अर्थ क्या होता है तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों मेरे गुरु ने बताया इन पैर का अर्थ होता है आपका नाम क्या है, आप कब भी केरल जाओगे तो आपको पूछेगा इन पैर आपका नाम क्या है, वहां पर नाम को कहा जाता है इन पैर यानी कि आपका नाम क्या है। और जैसे कि अपने इधर तो शादी ब्याह 6 महीने के बाद में बंद हो जाता है, केरल में हर संडे को शादी होती है और शादी कैसे होती है केवल दूल्हा और दुल्हन और उसके परिवार वाले वरमाला डाल लेते हैं, शादी तय हो जाती है। और उधर सबसे मेन बात तो यह है कि वहां छुआछूत कोई किसी प्रकार की नहीं है, शक की दुनिया नहीं है, केरल में कोई शक नहीं है, वहां पर आप बिंदास किसी के घर में बैठ के आसानी से अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, वहां पे छुआछूत की कोई बीमारी नहीं। और क्या बताऊं मेरे दोस्तों, जितनी मेरी सोच थी जितनी मेरी समझ थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अगर आगे भी कोई आवश्यकता पड़े तो मेरे नंबर मेरे छोटे भाई मुकेश भैया जो वीडियो बना रहे हैं ये बोलते हैं कि मैं आपका पूरा एड्रेस दे दूंगा, अगर आपको इससे के अनुसार भी अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो आप अपने घर पर भी बुलाओगे या अपने शहर में बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूँ और आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए मोबाइल पर बैठा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे 4-5 दोस्त मिलकर मेरे को यहाँ इंगलाजगढ़ लाए, जैसे कि मेरे गांव का मेरा मेन सका बादर सिंह जो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है, हर समय में सुख दुख में मेरा साथ निभाता है और ये बोलता है सुख ही एक दिन सुख दुख ही सुख बन जाएगा और सुमिरन सुमिरन सब करे, सुख में अगर सब करे तो दुख ही नहीं आए, तो ये मेरा भाई मेरा दुख में ही साथ देता है तो मेरे को सुख की तो कहाँ जरूरत है, क्योंकि मेरे को दुख आता ही नहीं है। सुमिरन सुमिरन सब करे, अगर सुख में अगर मेरा भाई साथ देता रहेगा तो दुख आने की कहाँ जरूरत है। जैसे पहले तो मैं एक था आज 5 बन गए और भगवान की कृपा होगी तो हजारों में बनेंगे और आप सभी दोस्तों का अगर सहयोग रहेगा तो और भी आगे बनेंगे। धन्यवाद।